हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, और बाद में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे एक सिस्टम जहां पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P1 है हमारे पास, राइट। इस पॉइंट P1 पर हम एक चार्ज रखेंगे, राइट। तो ये मान लीजिए हम यहां पर चार्ज रखते हैं Q1, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट P2 पर एक दूसरा चार्ज लाने वाले हैं। कहां से लाएंगे, तो हम ये चार्ज लाएंगे इंफिनिटी से, राइट। तो कोई इंफिनिट पोजीशन पर हमें चार्ज Q2 को लाना है वहां से, राइट। कहां पर लाएंगे, फाइनाइट पोजीशन पर लाना है हमें, राइट। और इस जगह P2 पर हम चार्ज लेकर आएंगे, राइट। Q2 चार्ज को हम पोजीशन P2 पर लेकर आएंगे। चलिए, इन दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो है R12, ठीक है। तो देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे डेफिनेशन सिंपल सा बन जाता है, दैट द एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू डू अ वर्क फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जो एनर्जी हमें जरूर पड़ती है, राइट, जिस एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनाइट पोजिशन टू अ गिवन पॉइंट, राइट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या अगेंस्ट द, आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहां पर हम देखेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें जो बात पता है, तो हम वर्क डन की बात करेंगे। हमने सबसे पहले कौन सा चार्ज रखा पोजीशन पे, P1 पोजीशन पे, Q1 चार्ज रखा। तो वर्क डन बाय Q1 चार्ज क्या होगा, देखिए यहां पर हम लिखे वर्क डन फॉर पुटिंग चार्ज Q1 इन पोजीशन P1 इज जीरो। देखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन इन पुटिंग चार्ज Q1 इन पोजीशन P1 इज जीरो। क्यों ये जीरो वर्क डन होगा, देखिए, बिकॉज जब शुरुआत में हम Q1 चार्ज रखते हैं तब वहां पर दूसरा कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा अगेंस्ट एनी फील्ड, राइट। इसलिए उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो वही बात हम यहां पर लिखेंगे, बिकॉज इनिशियली इनिशियली देयर इज नो चार्ज, सो नो वर्क इज रिक्वायर टू डू अगेंस्ट एनी फील्ड, राइट, एनी फील्ड, दैट इज वर्क डन जो है, W वर्क डन क्या है, जीरो हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, दैट वर्क डन फॉर पुटिंग चार्ज वन इज जीरो, राइट। लेकिन हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द वर्क डन फॉर चार्ज टू, राइट। क्यू टू चार्ज को हमें रखने में कितना वर्क डन लगा है, देखिए आप देखेंगे कि क्यू टू का वर्क डन जो हमें निकालना है, तो वर्क डन की फॉर्मूला इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। तो वही बात हम यहां पर लिखेंगे, देखिए वर्क डन ऑन चार्ज Q2 फॉर मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट P2 इज क्या होगा, देखिए उसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, देखिए ध्यान से, वर्क डन इज इक्वल टू, हम वहां पर क्या लिखेंगे, ये जो वर्क डन है ये W2 है, राइट, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, अभी देखिए P2 पोजिशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है चार्ज Q1, तो यहां पर पोटेंशियल बाई फर्स्ट चार्ज है इसलिए V1 लिखेंगे हम लोग, इनटू क्या होगा, किसके ऊपर पोटेंशियल लग रहा है, ऑन सेकेंड चार्ज, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इनटू चार्ज विच इज Q2,
क्लियर। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या हो गया आपके लिए, V इज इक्वल टू इट विल बी के क्यू वन, देखिए ध्यान से, के क्यू वन बाय आर वन टू होगा, राइट ये होगा पोटेंशियल V1 इक्वल टू, राइट इन टू चार्ज क्या है आपके लिए, दिस इज Q2, तो ये आपके लिए क्या निकला, वर्क डन W2, राइट तो आपके पास W1 वर्क डन आ गया है, आपके पास W2 वर्क डन आ गया है, आप इसे टोटल इक्वेशन वन एंड टू नाम दे देते हैं, राइट अब इसे हम यहां पर रब कर लेंगे, देखिए रब कर लेंगे यहां पे, आप इसे याद रखिए इक्वेशन वन क्या आया था टू क्या आया था, राइट अब हम यहां क्या लिखेंगे, देखिए टोटल टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल टू टोटल वर्क डन क्या आएगा, W1 प्लस W2, राइट सो W1 कितना आया था, जीरो आया था इक्वेशन वन में आपको याद होगा, प्लस W2 क्या आया था, तो W2 आपके पास आया था के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू, राइट ये आपके लिए वर्क डन आया था, मतलब आप सीधे तौर पर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू दिस इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू, ये हुआ आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, राइट देख सकते हैं आप यहां पे, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आया, आप इसे दूसरी तरह से समझें तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए U इज इक्वल टू यहां पर मान लीजिए ये आपके लिए ये जो है ये पोटेंशियल है, राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहां पर आप इसे क्या लिखेंगे, दिस इज पोटेंशियल, सो यहां पर इसे V1 लिख देंगे और ये चार्ज क्या है Q2, तो इफ V1 इज इक्वल टू V एंड Q2 इज इक्वल टू सिंपली चार्ज Q, देन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q, ये हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, राइट या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू इट इज पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज Q, क्लियर तो ये हुए हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, राइट चलिए अब हम देखेंगे अगर मान लीजिए सिस्टम में तीन चार्जेस रख दे, इसे मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर, राइट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिए मान लीजिए सिस्टम में तीन चार्जेस है, ठीक है सिस्टम में तीन चार्जेस और ये इसकी इंफिनाइट पोजीशन मान लीजिए मैं यहां पर दिखाता हूं, राइट ये इंफिनाइट पोजीशन है, ये इंफिनाइट पोजीशन है, राइट Q2 की, ओके अब आप देखेंगे मान लीजिए ये एक पोजीशन है मेरे लिए, राइट ये पोजीशन मेरे लिए है P3, राइट तो मैं इस P3 पर एक चार्ज लेकर आऊंगा फ्रॉम इंफिनिटी दिस इज Q3 चार्ज, तब क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होगा, तो देखिए इनके बीच में ये जो पोजीशन आएगा क्या आएगा आर वन थ्री आएगा, इनके बीच में जो पोजीशन आएगा वो क्या आएगा आर वन आर टू थ्री आएगा, राइट ये पोजीशंस हुए। अब आप देखेंगे हमने वर्क डन फाइंड कर रखा है, सबसे पहले सिस्टम में क्या था, सिर्फ एक चार्ज था क्यू वन, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क डन फॉर चार्ज वन इज जीरो, राइट इस तब पहला चार्ज था तो कोई भी सिस्टम में चार्जेस नहीं थे तो वर्क डन क्या आएगा जीरो आएगा, इसे मूव करने के लिए हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा किसी भी फील्ड के सामने, लेकिन जब W2 हमने चार्ज लिया, राइट जो अभी हमने इसके पहले थ्योरी देखी थी, जब सिस्टम में सिर्फ दो चार्जेस हो तब वर्क डन क्या निकल कर आया था, दिस इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू निकल कर आया था, हमें क्या फाइंड करना है, ये दो वर्क डन तो हमें पता है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन ऑन चार्ज Q3 व्हेन इट इज ब्रिंगिंग टू पोजीशन P3, तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन ऑन चार्ज Q3 राइट टू ब्रिंग पोजीशन ऑफ P3, तो उसका वर्क डन क्या होगा W3 होगा, राइट अब W3 वर्क डन में क्या होगा, देखिए आपको पता है कि
इस चार्ज Q3 पर क्या होगा, दो फोर्सेस, दो चार्जेस का पोटेंशियल लगेगा, एक Q1 का और एक Q2 का पोटेंशियल लगेगा। तो यहां पर W3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए पोटेंशियल बाय Q1 एंड Q2, राइट, पोटेंशियल बाय Q1 एंड Q2, राइट, दिस इज इनटू चार्ज, राइट, कौन सा चार्ज होगा, दिस इज Q3, यही तो हमारे लिए वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज लिखते हैं। बट यहां पर कौन सा पोटेंशियल, पोटेंशियल बाय दो चार्जेस Q1 एंड Q2, इसलिए यहां पर Q1 Q2 इनटू चार्ज Q3 हम लोग लिख रहे हैं, राइट। अभी आप देखेंगे पोटेंशियल क्या आएगा, देखिए यहां पर जो पोटेंशियल है, पहले चार्ज का पोटेंशियल क्या आएगा, दिस इज के क्यू वन बाय आर वन टू, राइट, प्लस क्या होगा यहां पर के क्यू टू बाय आर टू थ्री, ये पोटेंशियल हमें मिलेगा, राइट, इनटू क्या होगा चार्ज क्यू थ्री। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, दिस इज के क्यू वन क्यू थ्री बाय आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री बाय आर टू थ्री, राइट, ये हमें W3 मिला। देखिए यहां पर अब अगर हमें टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, फॉर द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इट इज W1 प्लस W2 प्लस W3, ये होगा, राइट। अब आप देखेंगे W1 क्या है आपके लिए, W1 जीरो है, प्लस W2 क्या है, K Q1 Q2 बाय R12, राइट, यहां पर सॉरी यहां पे R13 आएगा, देखिए ये जो है ये R13 आएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है, राइट, इसका पोटेंशियल जो है थर्ड के साथ हमें फाइंड करना है, राइट, तो W2 जो आएगा R12 आएगा, W3 क्या आएगा, तो इट इज K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय R23, राइट। तो ये हमारे लिए हुआ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K कॉमन कर देंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, दिस इज Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23, राइट। तो ये होंगे हमारे लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, राइट। आपको इसकी यूनिट पता है पोटेंशियल एनर्जी की, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होगी, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला और सब तो आपको निकालना आता ही है, क्लियर, चलिए, थैंक यू।